गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर नेक्स्ट चैप्टर दैट अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ओके ऑफ बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ. वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इन अवर प्रीवियस चैप्टर, बट सिमिलरली वी विल सी द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ओके. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन डज वर्क इन विलेज लेवल, बट इन दिस चैप्टर वी विल सी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इन टाउन और सिटी लेवल ओके. हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में ये देखा था कि प्रशासन कैसे विलेज के लिए वर्क करती है, कैसे काम होते हैं विलेज में, बट इन दिस चैप्टर वी विल सी द सिटी और टाउन ओके. अर्बन मीन्स सिटी, तो सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है, हमारा प्रशासन कैसे वर्क करते हैं. लेट्स रीड. सो स्टूडेंट्स, इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ रोड, अगर हम एक रोड का एग्जाम्पल लेके देखें ओके. सो नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी, सो यहाँ के जो है रोड्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है. सो नेशनल हाईवे मेंटेन बाय द नेशनल गवर्नमेंट ओके. स्टेट हाईवेज लुक बाय द स्टेट अथॉरिटी. डिस्ट्रिक्ट और टाउन, सो डिस्ट्रिक्ट और टाउन रोड्स रोड एंड सिटी, डिस्ट्रिक्ट रोड एंड सिटी रोड लुक बाय द म्युनिसिपैलिटी और अदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओके. अगर कोई स्मॉल टाउन है, स्मॉल छोटा शहर है, तो उसके लिए म्युनिसिपैलिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, वो उसके अंडर वर्क आएगा. और अगर कोई बड़ा बिगर टाउन है तो उसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है रिस्पॉन्सिबल होगा और उसी के अंदर ये सारा वर्क आएगा. सो अ सिटी इज मच बिगर देन द विलेज एंड मोर स्प्रेड आउट ओके. जैसे सिटी आपने देखा है कि विलेज के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी होती है, बहुत स्प्रेड आउट होती है. अ सिटी हैज अ क्राउडेड मार्केट, मेनी बसेज एंड कार्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ट्रैफिक कंट्रोल एंड हॉस्पिटल्स. हैव यू एवर वॉन्डर्ड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑफ ऑल दिस. सो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सिटी की बात की जाएगी, अगर सिटी जो है बड़ी है तो उसके लिए हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है रिस्पॉन्सिबल होगा ओके. और अगर सिटी छोटी है तो उसके लिए म्युनिसिपैलिटी रिस्पॉन्सिबल होगी. डू यू नो हाउ डिसीजन आर मेड, तो आप जानना चाहेंगे कि कैसे कौन डिसीजन लेते हैं. हाउ द प्लानिंग इज डन, कैसे प्लानिंग की जाती है. हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क. रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड आउट सम आंसर. सो सेम दैट प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन द रघु एंड मोहन्स कॉन्फ्लिक्ट ओके. दैट इज ऑल्सो स्टोरी, एक स्टोरी पढ़ी थी हमने उसमें मोहन और रघु की, उनके बीच के झगड़े की. नाउ हियर ऑल्सो अ स्टोरी, इन दिस चैप्टर ऑल्सो अ स्टोरी. सो लेट्स रीड द स्टोरी. वन लेजी संडे आफ्टरनून माला एंड हर फ्रेंड शंकर, जहांगीर, रिहाना वर प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट ओके. एक दिन संडे को माला के कुछ फ्रेंड शंकर, जहांगीर और रिहाना प्ले कर रहे थे, ठीक है, क्रिकेट प्ले कर रहे थे अपने स्ट्रीट में. शंकर हैड बॉल्ड अ गुड ओवर एंड ऑल दो ही नियरली मैनेज टू गेट रिहानाज आउट ओके. शंकर ने बहुत अच्छा ओवर बना लिया था, लेकिन वो चाहता था कि रिहाना को वो आउट कर दे. रिहाना बैटिंग कर रही होती है और शंकर बॉलिंग कर रहा होता है ओके. फ्रस्ट्रेटेड ही बॉल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड होप शी वुड हिट इट फॉर एन ईजी कैच. इसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर जो शंकर है बहुत तेज से बॉल डालता है ताकि जब रिहाना से हिट करेगी तो इजीली वो कैच कर सके. इंस्टेड रिहाना हिट द बॉल सो हार्ड एंड सो हाई दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोकन. लेकिन रिहाना जो है बॉल को बहुत तेज से मारती है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, जो गली की लाइट है, वो जो पोल्स लगे होते हैं उसमें से एक लाइट टूट जाता है. रिहाना स्क्रीम ओ नो लुक व्हाट आई हैव डन. रिहाना चिल्लाती है, स्क्रीम करती है और कहती है ओ नो लुक व्हाट आई हैव डन, मैंने ये क्या कर दिया. शंकर सेड यस वी फॉरगॉट टू मेक द रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट. सो शंकर कहते हैं तुम भूल गई कि अगर तुमने स्ट्रीट के पास भी, अगर स्ट्रीट लाइट के पास भी बॉल जाएगी तो तुम वैसे भी आउट हो जाओगी. बट माला, जहांगीर एंड रिहाना वर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड एंड दे टोल्ड शंकर ही हैड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट ओके. अब माला, जहांगीर और रिहाना जो है बहुत चिंता करते हैं, अब सोचने लग जाते हैं कि स्ट्रीट लाइट टूट गई है, तो वो शंकर से कहते हैं कि विकेट के बारे में सोचना बंद करो, पहले ये देखो जो यहाँ पे हुआ है. लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला'स मौसी विंडो एंड हैड स्पेंड देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड.
सो अब वो याद करते हैं कि लास्ट वीक उन्होंने निर्मला मौसी की विंडो को तोड़ा था, उसके लिए उन्हें पूरी पॉकेट मनी देनी पड़ी थी. वट दे हैव टू डिस आउट मेनी अगेन एंड देयर पॉकेट्स. अब क्या उन्हें इसके लिए भी अपनी पॉकेट मनी देनी पड़ेगी? बट हु वुड दे पे टू दिस. लेकिन वो इसके लिए किसे पे करेंगे? वहां तो उन्होंने मौसी की जो है निर्मला मौसी की विंडो को तोड़ा था तो उसके लिए उन्होंने दिए, लेकिन यहाँ पे वो किसे पैसे देंगे, किसे इसका रिप्लेसमेंट देंगे? ओके, टू हुम डिड द लाइट ऑन द स्ट्रीट बिलोंग, हु चेंज देम? सो अब इस लाइट को कौन चेंज कराएगा, ऐसा वो सोचने लगते हैं. रिहाना हाउस वॉज टू क्लोजेस्ट and they run and told her mother what had happened. Okay, अब रिहाना का घर सबसे पास में था तो सभी वहां जाते हैं और वो पूछते हैं उसकी मदर से कि अब क्या होगा. रिहाना's mother said, I don't really know these things in great details, but I do know that it is the municipal corporation of the city that takes care of replacing light. Okay, अब उसकी मदर कहती है कि मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन जो सिटी में ये लाइट्स हैं, इसका रिप्लेसमेंट, इसको रिप्लेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और कौन इसकी टेक केयर करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ओके, द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड द यास्मीन खाला, शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गो एंड आस्क हर एंड रिहाना कम बैक होम सून. उसके बाद उसकी मदर कहती है कि इससे बेटर यास्मीन खाला रहती है, वो रिटायर हुई हैं अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, तो यही बेस्ट होगा कि आप लोग उनसे जाकर पूछे इसके बारे में. और वो रिहाना को कहती है कि इसके बाद तुम जल्दी से घर आ जाना. यास्मीन खाना लिव्ड इन अ सेम लेन एंड शी एंड रिहानास मदर वर गुड फ्रेंड. उसके बाद यास्मीन खाला जो है वो उसी लाइन में आगे रहती हैं और रिहाना की मदर और यास्मीन खाला बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं. द चिल्ड्रन रन खाला's हाउस एंड व्हेन शी ओपन द डोर दे बिगिन टू टेल हर व्हाट हैड हैपेंड ऑल एट वंस. इसके बाद वो जाते हैं और सारी बातें उनको बताते हैं, सारी घटना जो भी चीजें हुई हैं, जो हुआ है वो उन्हें सारी चीजें बताते हैं. व्हेन दे आस्क अबाउट द स्ट्रीट लाइट, यास्मीन खाला लाफ्ड एंड सेड. जब वो स्ट्रीट लाइट के बारे में कहते हैं तो यास्मीन खाला हंसने लग जाती है. देयर इज नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू. और वो कहती है कि यहाँ कोई नहीं है जिसको तुम पे करोगे उसके टूटने के लिए. देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दैट टेक्स केयर द स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट एंड द मार्केट क्लीन. सो वो बताती है कि ये जो है बहुत बड़ी चीज है. इसमें बहुत मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये वर्क करवाती है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो या सिटी की गार्बेज कलेक्शन की प्रॉब्लम हो, वाटर सप्लाई हो या कीपिंग स्ट्रीट्स हो या मार्केट क्लीन की बात हो, तो ये सारी चीजें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ऑर्गेनाइज करती है. आई हैव हियर अबाउट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दे हैव पुट अप साइन अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया, सेड माला. उसके बाद माला कहती है कि यस, मैंने सुना है, मैंने ऐसा सुना था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ही जो है अभी जब मलेरिया की बात हुई थी तो उसके बारे में इन्फॉर्म भी उन्होंने ही किया था. यस, यू आर क्वाइट राइट. यस, हाँ तुम सही कह रही हो. द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसकी भी रिस्पॉन्सिबल होती है कि कोई भी डिजीज जो है हमारे सिटी में ना फैले. इट ऑल्सो रन्स स्कूल, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एंड मेक्स गार्डन्स एंड मेंटेन देम, सेड यास्मीन खाला. सो यास्मीन खाला बताती हैं कि सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं, और भी चीजें जो सारे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं या डिस्पेंसरीज हैं, गार्डन्स हैं, ये सारी चीजें भी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ही होती है, ऐसा उनकी यास्मीन खाला कहती हैं. देन सी एडेड अवर सिटी, पुणे इज अ बिग सिटी एंड सो हेयर इट इज कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. जैसे हमारी जो सिटी है ये पुणे, ये बहुत बड़ी सिटी है, इसीलिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर ही सारी चीजें आती हैं. इन स्मॉलर टाउन्स इट इज कॉल्ड म्युनिसिपल काउंसिल. और अगर छोटे टाउन की बात की जाएगी तो उसमें जो है म्युनिसिपल काउंसिल ही सारी चीजें करवाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ.
Yashmin Khala, I am curious, who decide where the park should go? Did you have to make interesting decisions like this when you work in the municipal corporation? Ask Rihanna. Rihanna पूछती है, बहुत curious होती है, ठीक है, Yashmin Khala, और वो कहती है कि who decide where a park should go? Okay, और जो रिहाना है वो पूछती है कि क्या आप जो है बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजन लेते थे जब आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वर्क करते थे. नो रिहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन, सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप. ओके, अब वो कहती है नहीं रिहाना, मैं वहां पे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेती थी, मैं सिर्फ अकाउंट्स में, वहां के अकाउंट ऑफिस में वर्क करती थी जहां पे सारी पे स्लिप वगैरह निकाली जाती है. सिटीज आर द यूजुअली क्वाइट लार्ज, सो द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस एज वेल एज डू अ लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन. ओके, अब वो बताती है कि सिटी जो है बहुत बड़ी है, बहुत लार्ज है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही जो है सारी चीजें, सारे डिसीजंस कैसे लेना है, ओके, कैसे सही तरीके से करना है और कैसे सिटी को क्लीन रखना है, ये सारा डिसीजंस वही लेती है. द डिसीजंस लाइक वेयर द पार्क और न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसिल्स. और ये डिसीजंस कि पार्क कहाँ पे बनना है, हॉस्पिटल कहाँ पे जो है बनना है, ओके, कहाँ पे बनाए जाएंगे, इनको ये वार्ड काउंसिल्स के अंदर आता है और वही इसके ऊपर डिसीजंस लेते हैं. द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड एंड वार्ड काउंसिल्स गेट इलेक्टेड. ठीक है, सिटी जो है डिवाइड होती है डिफरेंट डिफरेंट वार्ड में और वार्ड काउंसिलर्स जो होते हैं वही इलेक्ट करते हैं. द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्टेड द एंटायर सिटी आर टेकन बाय द ग्रुप ऑफ काउंसिल हु फ्रॉम कम्युनिटीज टू डिसाइड द डिबेट्स इश्यूज. ओके, और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है उनको जो है डिबेट बिठाई जाती है, उस डिबेट में सारे इश्यूज को जो है जो कमिटी के मेंबर्स होते हैं, जो काउंसिल के जो काउंसिल कमिटी के मेंबर्स होते हैं, वो लोग वहां पे उसे उसके बारे में डिबेट करते हैं, उसके बारे में चर्चाएं होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव और क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव टू गार्बेज क्लीन मोर रेगुलरली और देयर इज नाला और ड्रेन दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड क्लीनिंग एक्सेट्रा, इट दीज कमिटीज फॉर वाटर गार्बेज कलेक्शन स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन. और जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ये चीजें देख सकते हैं कि अगर बस स्टैंड है तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है, मार्केट प्लेस को कैसे क्लीन करना है, वहां के गार्बेज को रेगुलरली वो कैसे क्लीन हो, नाला है या ड्रेन है ये कैसे क्लीन होंगे. ओके, और जितनी भी क्लीनिंग की चीजें हैं ये सारी जो है कमिटीज, वाटर गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग, ये सारी चीजें इसके बारे में जो भी डिसीजन होता है, जो भी आपस में इश्यूज होते हैं, इनको इसी कमिटीज के थ्रू सुलझाया जाता है. ठीक है, ये कमिटी की एक डिबेट बैठती है और इसमें इन बातों पे चर्चाएं की जाती है. When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their councils. और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वार्ड के मेंबर्स को जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वार्ड में जो भी प्रॉब्लम होती है, सो वो लोग जो है किसको कॉन्टेक्ट करते हैं, वार्ड कैन कॉन्टेक्ट देयर काउंसिल्स. इसके बाद जो वो लोग उनसे ऊपर जो उनके काउंसिल्स हैं उनको कॉन्टेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन देन द लोकल काउंसिल्स कैन हेल्प देम गेट इट टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी. इसके बाद अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि कहीं पे जो है इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैंग कर रही हैं, लटकी हुई हैं कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा वायर्स, तो ये डेंजर है, तो इसके लिए जो है लोकल काउंसिल जो होगा, ठीक है, वो हेल्प करेगा और वही जो है इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को जो है बुलाएंगे, उनकी हेल्प से इनको ठीक करवाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डू ओनली दैट मच. यू हैव टू रीड योर चैप्टर. In next video, I will tell rest of the chapter. So till then, you can read this chapter and thank you so much.